पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के राजनगर में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और थाने में सरेंडर कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद मृतिका के परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मृतिका के परिजनों ने पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर हत्या किए जाने की जानकारी दी है। जानकारी देते हुए मृतिका की भाभी दरक्षा ने बताया कि मृतिका का नाम नगमा है और उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप है कि नगमा के पति महराज के किसी महिला से अवैध संबंध थे। नगमा अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध करती थी, इसी बात को लेकर उसके घर में अक्सर विवाद होता रहता था। बीती देर रात्रि नगमा के परिजनों को मौत की सूचना मिली थी। परिजनों ने मौके पर जाकर देखा तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था और आरोपी पति महराज ने थाने में जाकर गुनाह कबूल कर थाने में सरेंडर कर दिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। ऐसा हुआ था, 12 बजे करीब कॉल आई थी इनकी, नगमा की हस्बैंड की, तो वो कह रहे थे बाशिद भाई क्वारसी पे आओ, नगमा के भाई का नाम है ये। तो उन्होंने कहा क्वारसी पे आओ, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता ऐसे, तुमने ये बताओ क्यों बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, कि तुम्हें आना ही है, तुम नहीं आते तो मैं आऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ। तो फिर ये क्या कहें, आए पुलिस को लेके घर पे, तो पुलिस ने कहा चलो बैठो। तो मैं ऐसे कैसे बैठो, आप बताइए क्या काम है, क्यों ले जा रहे हो आप इन्हें, मैं नहीं जान दूंगी इनके लिए। तो फिर इन्होंने कहा क्या कहें, मैं तो चलो तुम भी चलो। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पुलिस वालों ने कहा कान में कि तुम्हारी बहन की हत्या हो गई है मतलब। तो फिर इन्होंने जी बैठ गए, मैं जाके पता पड़ा कि इसने जुर्म कबूल कर लिया, इसने खुद मारा है, गले पे अंगूठा लगा लगा के फांसी दी है और इसने बाथरूम में बंद कर दिया है। डेथ हुई किसकी है? मेरी नंद की हुई है डेथ। हत्या किसने की है? उसके हस्बैंड ने की है। वजह क्या है हत्या करने? वजह की कुछ नहीं पता, मेरी बात हुई थी उससे एक दिन पहले, उसने कुछ भी ना कहा था ऐसा भी, मतलब कुछ हुआ है हम लोगों के बीच में। अब कहाँ है जिसने हत्या की है, वो कहाँ है? वो थाने में है, खुद वो हो गया है, वो गुना कबूल कर लिया, गुना कबूल करके उसने ये कहा है, मतलब मैंने करा है ऐसा, ये नहीं बताया। और उसकी बेटी का भी पता नहीं है, बेटी कहाँ है उसकी, एक 3 साल की बेटी है। हत्या की वजह क्या है ये नहीं, वो कुछ भी नहीं बताया, वो खाली ये कह रहा था मैं मतलब जी हाँ वो बताती थी, मतलब ये फोन पे बात करते थे ऐसी, मतलब फोन से हाथ नहीं लगाने देते थे, वो चेक करती थी, इस बात पे लड़ाइयां भी होती थी इन लोगों में, इसलिए हुआ ये सब। क्या यही वजह रही हत्या की? ये नहीं कह सकती सर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।